Learners, ये मेरा for all updates, to join my आप इसे इंस्टॉल जरूर से कर लीजिए ताकि आप अटेंड कर सके फ्री लाइव क्लासेस प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट क्विज़ेस और पीडीएफ सो so, आने वाले टाइम्स में वी आर इवन प्लानिंग अमेजिंग सेशन ऑन एप सो डोंट फोरगेट टू इंस्टॉल इट सो so लर्नर्स आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ सिंस वी ऑल नो दैट काउंट डाउन हैज बिगन फॉर आर एग्जाम रीनेट एग्जाम सो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी तैयारी कराने के लिए सो so सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए और सारे ऑप्शन को भी अच्छे से समझ के आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दी ऑप्शन बिलो सो जैसा कि आप देख सक रहे हैं ये चारों ऑप्शन जो है इसमें क्रम से लिखा गया है तो संवाद का क्या सही क्रम होगा अनुक्रम होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है सो यू कैन हैव अ लुक एट दीज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन सो इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर परसुएशन बिहेवियल चेंज परसवेशन इन्फॉमेशन बिहेवियल चेंज एक्सपोजर एक्सपोजर इन्फॉर्मेशन परसवेशन एंड बिहेवियल चेंज बिहेवियल चेंज इन्फॉर्मेशन परसेशन एंड एक्सपोजर सो कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है कम्युनिकेशन शुरुआत कहाँ से होगा तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी वो होगी एक्सपोजर से राइट right? हमें किसी बात की जानकारी मिलती है या हम उस सिचुएशन में हमारा एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले होता है प्रदर्शन नेक्स्ट होगा आपको उस कंटेक्सट में जानकारी मिलती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है फिर आपको कोई भी बात अगर कहता है तो वो परसुएट करने के हिसाब से कही जाती है प्रतिपादन के लिए कही जाती है फाइनली जो होता है आउटकम जो निकल के आता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो आउटकम जो निकल के आता है वो होता है बिहेवियर चेंज यानी कि व्यवहार परिवर्तन सो दिस सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई technical टर्म used टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग तो इनमें से ये सारे ऑप्शंस हैं सो so, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन uh, को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ आपको नॉन वर्बल की कैटेगरी में बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करने वाला शब्द का चयन करना है सो so, क्या ये प्रोक्समिक्स है क्रोनमिक्स है काइनेसिक्स है और हैप्टिक्स है सो so, ये सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी सेम है सो बॉडी लैंग्वेज को वर्णन करने वाले प्रयुक्त तकनीकी शब्द जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू एवरीबडी सो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी काइनेसिक्स, राइट सो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है हमारी पर्सनल स्पेस हम किस तरह से स्पेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ कितनी दूरी बना रखते हैं वो बताता है हमारा प्रोक्सिमिक्स वही क्रॉनिमिक्स समय से एसोसिएटेड है हम समय को कितना uh, कि कितनी वैल्यू करते हैं या बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को ये सारी बातें हमारी क्रोनमिक्स में आ जाती है और हैप्टिक्स जो है वो टच से रिलेटेड है गुड गुड टच बैड टच तो ये सारी चीजें हमारी हैप्टिक्स से रिलेटेड है सो नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स क्लासरूम इंटरक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय सो कक्षा सहभागिता काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती है सो so जो डे टू डे क्लासरूम एक्टिविटी होती है जिसको हम क्लासरूम इंटरेक्शन या ग्रुप कम्युनिकेशन भी कहते हैं सो ग्रुप कम्युनिकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन सी चीज से इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट के कमिटमेंट से टीचर सेंट्रिक इन्वॉलमेंट से ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट से या अनसोलिसिटेड इंटरवेंशन छात्र की प्रतिबद्धता शिक्षक केंद्रित वातावरण संगठनात्मक निरीक्षण अवांछित हस्तक्षेप सो so, क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के रेफरेंस में क्लासरूम इंटरेक्शन की Yes, everyone. So, अगर हम बात कर रहे हैं क्लासरूम इंटरक्शन की तो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स कमिटमेंट अगर बच्चे कमिटेड रहते हैं छात्र का अगर पार्टिसिपेशन रहता है कमिटमेंट रहता है तो क्लासरूम इंफ्लू क्लासरूम इंटरक्शन इफेक्टिव हो सकता है सिमिलरली क्लासरूम इंटरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट का कमिटमेंट वही अगर हम इसको अदर वे अदर वे राउंड ले लें कि अगर बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड हैं दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का क्लासरूम इंटरेक्शन है राइट right? बट अगर वहां पे स्टूडेंट का कमिटमेंट नहीं है तो क्लासरूम इंटरेक्शन पे वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा सो स्टूडेंट कमिटमेंट इज द राइट आंसर जहां पे हम एक पॉजिटिव वे में क्लासरूम इंटरेक्शन को देख सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन

क्रियाओं से शिक्षार्थियों को सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए सो क्वेश्चन नंबर फोर इसके ऑप्शन सी और डी मैं यहां पे लिख दे रही हूं सी इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स whereas एज is इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू राइट असर्शन so, बेस्ड है तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्योंकि या बिकॉज लगा के सॉल्व करना चाहिए और अगर वो उसको जस्टिफाई कर रहा है वो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द राइट आंसर राइट सो यस आपको क्लासेस मिलती है रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे लर्नर्स जो स्टडी कराया जाता है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टडी मटेरियल जो कि आपकी प्रिपरेशन को एलिवेट करता है पूरी तरह से सॉल्व कराए जाएंगे आपके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपकी तैयारी कराएगा सीबीटी एग्जाम के मोड में साथ ही साथ आपको मिलती है स्पेशल मेंटरशिप कोर्स फॉर पी एच डी एडमिशन सो लर्नर्स वी आर है कैशबैक प्रोग्राम सो अगर आप अभी यू जी सी नेट कैशबैक प्रोग्राम में इनरोल रहते हैं और इफ़ यू गेट योर सेल्स एनरोल्ड इन डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फाउंडेशन टू पॉइंट फोर बैच सो आपको जून बैच का एक्सेस मिलता है बूस्टर का एक्सेस मिलता है दिसंबर बैच का लाइव बैच का भी एक्सेस मिलता है और इसी दौरान अगर आपने रीनेट क्वालिफाई कर लिया जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाएगी साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आपको एडमिशन मिलेगा दूसरा अगर आप सिर्फ नेट भी क्वालिफाई करते हैं तो एटी परसेंट आपकी फी रिफंड हो जाएगी और वहां पे भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्सेस मिलेगा सो इन बोथ द केसेस इट्स अ विन विन सिचुएशन बट दिस इज ओनली फॉर री जून एग्जाम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर इज ए दोनों ए और आर सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाई सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स यानी कि जो क्लासरूम में बातें होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है वो होती है हमारे सोसाइटल सेटअप से राइट सोशल सेटअप से हमारे इंस्टीट्यूशन की जो डिमांड होती है वर्क जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरह से जिस लेवल का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं कंटेंट इंटरेक्शन एक्सटेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है उन सब लाइंस पे हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है क्योंकि पॉजिटिव एजुकेशन एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड और ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन इसलिए प्री डिसाइडेड है क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि हमारे जो भी क्लासरूम इंटरेक्शन में पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस होते हैं दे गाइड द लर्नर्स वो लर्नर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से वो नॉलेज ले सके किसकी सोशल सिग्निफिकेंस दैट मीन्स किस तरह से सोसाइटी में रहना है क्या हमारी इंस्टीट्यूशन uh, की डिमांड है चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो सो so, हर इस तरह का इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्ट करता है कि आप सर्टन वे में अपना कॉन्डक्ट करें सो कीपिंग दिस माइंड बोथ द स्टेटमेंट आर एप्सोल्यूटली करेक्ट एंड जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट सो क्वेश्चन नंबर फाइव क्लासरूम कम्युनिकेशन सो कक्षा संचार क्या है लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिक्टेटोरियल पर्पज प्रोग्रामेटिक प्राग्रमेट सो कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है तानाशाही है उद्देश्यपूर्ण है वैवाहिक है तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर फाइव में वी हैव फोर ऑप्शन एंड इन फोर में से आपको दो को सिलेक्ट करना है दो को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं डिक्टेटोरियल जो है और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये बहुत मैकेनिक मैकेनाइज मे, वे में बात कर रहा है है ना बहुत ही एक टेक्निकल टर्म में मैकेनिकल वे में इसको डिफाइन कर रहा है सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑलवेज एंड प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक क्यों बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बाई डूइंग का प्रिंसिपल होता है राइट लर्निंग बाय डूइंग तो करके सीखने की जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन उससे काफी हद तक प्रभावित रहता है सो सी और डी सी और डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट

तो अब सेंडर इनको रिसीवर बन सकता है रिसीवर सेंडर बन सकता है तो ये ऑफ पे सिमेंटिक नॉइज होता है एनालिसिस होता है या वीक चैनलाइजेशन होता, 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 होता है तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं आप किसी के साथ इंटरक्ट कर रहे हैं तो आपने अगर इनकोड किया सामने वाले पर्सन ने डी किया थोड़ी देर में उन्होंने इनकोड किया आपने डी किया तो यहाँ पे स्वॉपिंग ऑफ इनकोडर डी रोल हो रहा है संचार में कूट लेखक और कूटवाचक भूमिकाओं में अदला बदली हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आप किस चीज का वेट कर रहे हैं वेन दिस थिंग सो इट इज फीडबैक अनालिसिस सो इतना कॉम्प्लीकेट करके बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरक्शन की और हम बात कर रहे हैं इंटरक्टिव या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ठीक है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ दो या दो से अधिक लोग होते हैं हम अपनी रोल्स को स्वॉप करके इंटरैक्ट करते हैं और फीडबैक एनालिसिस के माध्यम से यह स्वॉपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर रोल्स होता रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन सिलेक्ट फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग निम्नलिखित में से संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि के लाभ को चुनिए

तो क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर एवरी वन ट्राई आंसरिंग सो यस yes. जब भी हम फीडबैक की बात करते फीडबैक में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सही चीज क्या होती है कि आपके कम्युनिकेशन को आपके सम्प्रेशन को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है क्लैरिफाई कर देता है कोई भी डाउट नहीं रह जाता है अगर फीडबैक मिल गया इफ आई आस्क यू कि हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और अगर आप कहते हैं हाँ दैट मीन्स यहां पे कोई डाउट नहीं रह गया तो फीडबैक का सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि ये पूरे के पूरे के को कर देता है है। कोई कोई भी की, कोई भी की नहीं रह जाती तो प्रभावी कक्षा संचार क्या बदल सकता है अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमिक मार्केटिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अकादमिक प्रशासन शैक्षणिक शे, विपणन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन रणनीति तो अगर हम बात करें कि कक्षा संचार बहुत प्रभावी है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव सो किस चीज़ में वो ट्रांसलेट करेगा किस चीज़ को इफेक्टिव बनाएगा किसको ट्रांसफॉर्म करेगा मतलब किस पे अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा सो इट इज़ नन अदर देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस राइट अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव है अच्छे से हो रहा है जो टीचर को पढ़ाना चाहिए वो टीचर पढ़ा रहा है जो बच्चों को समझना चाहिए उतना समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सो अल्टीमेटली टीचिंग कम्युनिकेशन इज कक्षा संवाद में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है सो so, अगर हम पूरे क्लासरूम कम्युनिकेशन के सेटअप की बात करें तो उसमें कक्षा संवाद में कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह आता है क्वेश्चन नंबर नाइन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस कंडीशनड मैसेज लीनियरिटी ऑफ मैसेज सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन ठीक है सो क्लासरूम कम्युनिकेशन का वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट सो इज़ इट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक अवसंरचना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अभिव्यक्ति का क्षेत्र क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन फीडबैक यानी अनुबंधित प्रतिपुष्टि या लिनियरिटी ऑफ मैसेज संदेश की संरेखता सो द दो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन राइट right? और जब भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो देर इज लॉट ऑफ एक्सपी फील्ड एक्सपीरियंस विच इज़ बीन क्रिएटेड राइट फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा बच्चे जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उतना फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस सो जनरली अगर आपको याद होगा हम बात कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की तो जो इंटरक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ट्रांजेक्शनल में भी होता है मगर बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो जाता है ठीक है तो अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो ज्यादातर ये ग्रुप कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आता है और यहाँ पे टर्न वाइज टर्न बात की जाती है तो सेंटर बिकम्स इनकोडर इनकोडर बिकम्स सेंटर जो भी हम बात करते हैं फीडबैक एनालिसिस में तो ये एक इंटरक्टिव मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और उसी लाइन्स पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्लासरूम कम्युनिकेशन के दौरान क्रिएट होते हैं राइट नेक्स्ट इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज संप्रेषण के संगरेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम क्या होता है सो so, यहाँ हम बात कर रहे हैं लीन ठीक है जब भी हम कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लीनियरिटी uh, को फॉलो कर रहे हैं संगरेखीय मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें अपेक्षित परिणाम क्या हो परिणाम क्या होगा सो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अगर सीधे सीधे किसी को हम बताएं कोई चीज़ लेक्चर मेथड से पढ़ाएं तो क्या होगा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होगा रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइज हाई लेवल ऑफ ऑबस्ट्रक्शन सिमेंटिक एक्यूरेसी मनोवैज्ञानिक विरूपण भौतिक शोर की समाप्ति पृथिकरण का उच्च स्तर अर्थगत परिशुद्धता सो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा कि अगर आप एक सीध में बात कर रहे हैं ठीक है आप एकदम रेखिया मॉडल में बात कर रहे हैं आप किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होने दे रहे हैं आप लेक्चर मेथड से पूरी क्लास को एड्रेस कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आप जो कहेंगे वो अदर एंड पे सभी कोई सुनेंगे और किसी भी तरह की इन एक्यूरेसी नहीं होगी यानी शाब्दिक एक्यूरेसी अर्थगत परिशुद्धता का होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जब भी इंटरक्शन होता है या ट्रांजैक्शन होता है वहां चांसेस होते हैं कि हम बातों को गलत इंटरप्रेट करते हैं या समय अनुसार उसका जवाब नहीं देते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है मगर लीनियरिटी के केस में सेम सिमेंटिक एक्यूरेसी गारंटीड है कि कम से कम चांसेस है कि, कि किसी तरह की इनएक्यूरेसी होगी सो क्वेश्चन नंबर इलेवन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डी कोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम सो कक्षा में संचार की कूटवाचन यानी कि डी प्रक्रिया के सही क्रम को आपको चयन करना है सो वी स्टार्ट विथ देर थ्री फोर ऑप्शन पहला इवेलुएशन से शुरू हो रहा है दूसरा फीडबैक से शुरू हो रहा है तीसरा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट पे शुरू हो रहा है चौथा इंटरप्रेट करने से शुरू हो रहा है तो अगर आप डी कोडर बनेंगे ठीक है क्योंकि आप क्लासरूम में हैं मान लीजिए टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है टीचर कुछ कंडक्ट कम्युनिकेट कर रहा है तो टीचर इनकोडर हो गया ठीक है उन्होंने कोई आइडिया थाट कोई कॉन्सेप्ट को इनकोड किया और क्लास को पढ़ाया आपका क्या काम है यू एज अ स्टूडेंट विल ट्राई टू डी कोड इट आप कहाँ से शुरुआत करेंगे आप सुनेंगे क्या आपका कहाँ से शुरुआत होगी सबसे पहले आप सुनेंगे यानी कि आपके एक सेंस ऑर्गन का यूज होगा यस सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जैसे ही सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं सेंसरी इन्वॉल्वमेंट आपने बात सुनी अब आप वो पढ़ाई हुई बात को इंटरप्रेट करेंगे समझने की कोशिश करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे ठीक है तो पहले तो संवेदी भागीदारी हो गई फिर आपने उसकी व्याख्या उसको अच्छे से समझने की कोशिश की अब आप उसको जांचेंगे उसका मूल्यांकन करेंगे ऐसे ही नहीं कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है आप इवेलुएट करेंगे कि आपको वो बात सही लगती है क्या आपको पता था नहीं पता था अगर अभी पता चला तो उसमें कुछ डाउट है आप उसको पूरी तरह से टोल मटोल करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बाय मीन्स ऑफ इवेलुएशन ठीक है और एक बार मूल्यांकन हो जाए तो आप इसका फीडबैक भी देते हैं एज अ कि आपको बात समझ आई या नहीं समझ में आई अच्छी लगी या बुरी लगी ये बात की बात है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट विच मेक्स इट क्लियर फीडबैक के माध्यम से प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि बात आप तक पहुंच गई है ठीक है सो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट इंटरप्रिटेशन

सो so, इसमें से एक बैंडविज से एसोसिएटेड है एक लीनियर कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है रेखीय संचार एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है या गैर व्यक्तित्व संचार एक आवर्ती की बात करता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सो so, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया है और उनके ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन चैनल है तो आपको इसके साथ इसका मैच करना है और अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन बनाने हैं सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एवरीबडी ट्राई आंसरिंग इट एवरी वन ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस थ्री जहाँ ऑडियो की बात करें तो हम आप लोग एफ एम सुनते होंगे तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने की बात होती है इनकेस ऑफ एन ऑडियो सेटअप एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में कोई पर्सनल बात नहीं करता है एवरी बडी टॉक्स नॉन पर्सनल यानी कि पीपल ट्राई टू प्रमोट अ ब्रांड ट करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट हम जब भी देखते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की प्रमोशन होती है और इट्स नॉट अ पर्सनल इट इज प्योरली बिजनेस हो सकता है जो स्टार्स वो ब्रांड को प्रमोट करते हैं वो शायद वो ब्रांड यूज भी नहीं करते होंगे तो इट्स नॉट अ पर्सनल कम्युनिकेशन वो जो उनका एडवर्टाइजिंग के समय कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरह से नॉन पर्सनल होता है ठीक है मतलब कह सकते हैं कि वह जनता के लिए होता है इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज प्योरली एसोसिएटेड विथ ब्रांड विथ है ना किस तरह का लोड पड़ रहा है तो वो सारी चीजें हम बैंडविथ के साथ इसको एसोसिएट कर सकते हैं और न्यूज पेपर इज वन वे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जब हम रेखीय संप्रेषण की बात करते हैं लीनियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम वन वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं राइट और न्यूज़पेपर एक लीनियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें ना के बराबर फीडबैक है ठीक है एक अगर फीडबैक होता भी है तो इनडायरेक्ट होता है और अगर इनडायरेक्ट होता भी है तो काफी डिलेड होता है सो so, फीडबैक का बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है इन केस ऑफ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द यूजुअल सीक्वेंस इज सो संचार के संदर्भ में सामान्य क्रम क्या होगा सो वी हैव लैंग्वेज चार एलिमेंट्स हमारे पास लैंग्वेज कम्युनिकेशन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन आपको इन्हें सही क्रम से लगाना है कहाँ से शुरुआत हुई और आखिरी में क्या आता है तो पहले लैंग्वेज आई कि पहले कम्युनिकेशन हुआ पहले सोसाइटी आई या सिविलाइजेशन आया क्वेश्चन नंबर थर्टीन एवरी वन वी फोर ऑप्शन ए वन टू थ्री एंड फोर सो फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट हम शुरुआत कहां से करेंगे सो so, yes सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं अब ये कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है नॉन वर्बल भी हो सकता है जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर अगर हम सिविलाइजेशन uh, की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या ओल्ड स्टोन एज मैन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज तो बहुत बाद में डेवलप हुई बट कम्युनिकेट तो वो तभी भी करते होंगे राइट right? तो ये कम्युनिकेशन भाव से होता होगा एक्सप्रेशन से होता होगा या अपने कुछ कोड साइन लैंग्वेज से होता होगा तो कम्युनिकेट तो करते हैं चाहे वर्बल करे या नॉन वर्बल करे या ऐसे वर्ड्स यूज करते होंगे जो शायद लैंग्वेज का बहुत बाद में फॉर्म लिया तो लैंग्वेज तो जब भाषा बनी तब तो हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो गई तो शुरुआत इज ऑलवेज विथ कम्युनिकेशन ठीक है इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज के बाद कम्युनिकेशन है हम पहले कम्युनिकेट करते चाहे किसी तरीके से भी करें वर्बली करें नॉन वर्बली करें एक्सप्रेशन से करें किसी भी तरीके से करें देन कम्स दी लैंग्वेज फॉर्मेशन लैंग्वेज के बाद हुआ सोसाइटी यानी कि समाज की उत्पत्ति और फाइनली सिविलाइजेशन केम इन टू एक्सिस्टेंस यानी पूरी की पूरी सभ्यता आ गई तो इसको सही क्रम को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग नेक्स्ट इज क्रॉनमिक्स क्रॉनमिक्स कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय सो कालानुक्रमिक संचार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है वर्क इन्वॉल्वमेंट टाइम कॉन्शियसनेस ड्यूरेशन क्वार्टरलीट क्या क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो यस जब भी क्रॉनिक्स की बात आती है कालानुक्रमिक संचार की बात आती है वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एसोसिएटेड विथ टाइम हाउ वेल वी कोऑर्डिनेट विथ टाइम हम टाइम को कितना रिस्पेक्ट देते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं या लेट ही करते हैं या अर्ली करते हैं बिफोर टाइम करते हैं ऑन टाइम करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी टाइम कॉन्शियसनेस से आ जाती हैं आप अपना प्रोजेक्ट को बिफोर द ड्यू डेट सबमिट कर देते हैं है ना तो ये सब चीज़ें आपकी टाइम कॉन्शियसनेस की uh, का एग्जाम्पल है जो कि इक्रोनमिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है नेक्स्ट सूचना मूल्य के लिए एक विशिष्ट मानक बनाए रखने के लिए नकली समाचार के साथ तुलना करने के बाद वास्तविक समाचार को प्रकाशित करना क्या कहलाता है इज इट कॉल गेटकीपिंग कॉन्टेंट एडिटिंग ड्रॉइंग अटेंशन और रिमूविंग बायस नंबर comparing it with fake news. So, Uh, आज के समय में बहुत डिफिकल्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट्स द राइट न्यूज व्हाट्स द रॉन्ग न्यूज क्योंकि फेक न्यूज़ भी उसी स्पीड से फैलता है एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ अनरेस्ट विथ पीपल गलत इंफॉर्मेशन चली जाए तो सोसाइटी में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है सो कीपिंग दैट इन माइंड किस कॉन्टेंट को किस टर्म को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सो इट इज़ गेट कीपिंग राइट तो गेट कीपिंग का अर्थ होता है कि हम फिल्टर कर देते हैं हर गंदगी को अंदर नहीं आने देते हम पहले गेट पे ही रोक लेते हैं चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हम न्यूज को पब्लिश करने से पहले किसी भी न्यूज को कैटेगराइज कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं कि बात कितनी सही है सच्ची है जैसे हम कोई भी हमें खबर मिलती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं सोर्स क्या है अगर ये सोर्स ऑथेंटिक होता है तो हम विश्वास करते हैं है, है ना नहीं तो हम इसे नहीं मानते तो बस वही कंसेप्ट जो है वो गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है

So, सार्थक सोच को 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 प्रोत्साहित करना, सहानुभूति बढ़ावा देना, कई कार्यों करने में प्रोत्साहित करना और अच्छा संचार नेटवर्क विकसित करना so, कोई तीन चीज ऐसी है, इफेक्टिव लिस्निंग इन क्लासरूम सो वन इज दी ऑड वन आउट जिसका इफेक्टिव लिस्निंग इन क्लासरूम से कोई लेना देना नहीं है आप इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे इन दी आफ्टर द सेशन गेट्स एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड टूडे सेशन so learners, uh, this is the transition sheet and we'll be having sessions according to this. and uh, i hope you all enjoyed the session and do let me know in the comments the answer of the homework question. these are the timings of my free life sessions on youtube and testbook app. don't forget to like, share and subscribe to our channel. this is the number for any subscription-based courses or up my telegram channel for join collegiate taki important update, thanks for watching. bye-bye.